देखो बेटा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी आज का क्लास है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या सिस्टम है? वे शब्दांश मतलब वे शब्दांश, जिसे लिख दिया जाता है कोई शब्द है, अपमान ये शब्द है हमारा, ये शब्द लिख दिया अपमान। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप छुटा अनाथ, उदाहरण जैसे अनाथ, बड़ा आकार, बदल दिया। अब जैसे कह देते हैं अनाथ हो गया, अविश्वास हो गया, जैसे कह देते हैं और असुविधा, हो गया, और जैसे कह देते हैं अधर्म, या अचेतन, ये हो गया। आग बड़ा आकार, आलेख, आक्रमण, आगमन, आरंभ या आजीवन, अब जैसे अति, गया हो गया अतिक्रम, दूसरा हो गया अतिकाल, तीसरा हो गया अतिवृष्टि। जैसे मान लीजिए अपमान, अपनापन, हो गया अपव्यय, अपकार, अपवाद, अपराध, ऐसे इसी प्रकार से हो सकते हैं। अब अनुपस्थित, अभिशाप, अभिलाषा, उपकार, उत्पन्न, परावर्तन, प्रतिकूल, परिभ्रमण, ये हो गया। अब जैसे कह देते हैं शब्दांश, प्रत्यय आ गया। अब प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से